रूस ने पाकिस्तान के साथ अपने बढ़ते रक्षा संबंधों को लेकर भारत को सफाई दी है। भारत में रूस के मिशन के उप प्रमुख रोमन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ रूस के संबंध स्वतंत्र प्रकृति के हैं और उनकी सरकार अन्य देशों की संवेदनशीलता का सम्मान करने को लेकर भी सचेत है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि पाकिस्तान के साथ उनके संबंधों के बारे में भारत को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बता दें कि कुछ दिनों पहले रूस और पाकिस्तान ने संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया था। पाकिस्तान के साथ रूस के बढ़ते सैन्य अभ्यासों को लेकर रोमन ने आगे बताया कि हमें नहीं लगता कि भारत को चिंतित होने की जरूरत है, लेकिन साथ ही हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को स्वतंत्र प्रकृति के साथ देख रहे हैं। हमारा द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक एजेंडा भी है। हम SCO की रूपरेखा में पाकिस्तान के साझेदार देश होने के नजरिए से इस संबंध को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही रूस के रोमन ने बताया कि रूस की विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत ऐसे द्विपक्षीय संबंध रखना है जिनका उद्देश्य किसी अन्य देश के विरुद्ध नहीं होना है। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान और अन्य कई देश समेत दुनिया के सभी देशों के साथ सहयोग की बात आती है तो हम इस महत्वपूर्ण सिद्धांत का पालन करते हैं। रूसी राजनयिक ने भारत और रूस के बीच बढ़ते रक्षा और सुरक्षा संबंधों के बारे में बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापक सैन्य अभ्यासों तथा क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देने वाले सहयोग का भी जिक्र किया गया। रोमन ने आगे बताया कि पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास आतंकवाद निरोध रूपरेखा का हिस्सा है और इस तरीके की साझेदारी SCO के सभी सदस्य देशों के लिए स्वाभाविक भी है। आपको बता दें कि रूस ने तुर्की पर S-400 मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है उसकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि रूस इस तरीके का एकतरफा कार्रवाई को मान्यता नहीं देता। उन्होंने कहा कि हम एकतरफा प्रतिबंधों को अंतर्राज्य या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक उपकरण के साधन के रूप में मान्यता नहीं देते हैं या उनका स्वागत नहीं करते हैं।